सो नमस्कार दोस्तों, टेक ड्राइव प्रो में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपका अगर बैटरी जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है, वैसे तो दोस्तों हम सब नॉर्मली जब फोन में यूट्यूब का यूज करें, व्हाट्सएप का यूज करें, यानी कि किसी एप्लीकेशन को अपने फोन में चलाते हैं, यूज करते हैं, तो क्या देखते होंगे कि फोन होता है नॉर्मली खत्म चलाते हुए, तो वो अलग बात होता है, मतलब चला रहे हैं तो खत्म तो होगा ही, लेकिन कुछ कुछ तो ऐसे प्रॉब्लम आ जाते हैं कि हम सब फोन को चलाते भी नहीं है, यानी कि नॉर्मली जब हम फोन चला उला के रख भी देते हैं, 100% चार्ज करके रख भी दिए फोन पर, लेकिन देखते हैं कुछ देर के बाद, जब हम एक दो घंटे के बाद देखते हैं तो हमारे फोन का बैटरी है ना बिल्कुल खत्म हो जाता है यार, मतलब 100% से 50% बचता, यानी कि जब न्यू फोन रहता है तो कितना अच्छा बैटरी बैकअप देता है यार, मतलब कि पूरा दिन भी यूज करें, एक दो दिन तक फिर भी हमारा बैटरी बैकअप जल्दी जल्दी खत्म नहीं होता है, यानी कि बैटरी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। लेकिन वही देखिए, फोन जब पुराना हो जाता है तो बैटरी बैकअप देना बंद कर देता है, बैटरी टिकता भी नहीं है। लेकिन अगर ये सारे प्रॉब्लम आपके साथ हो रहा है तो आज की वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपके बैटरी बैकअप को लेकर 3 ऐसा खतरनाक सा हिडन ट्रिक लेके आया हूं, खुफिया राज लेके आया हूं, जिसके बारे में यदि आप सब जान लेते हो और अपने फोन में ये सेटिंग कर लेते हो तो यकीन मानिए कि आज के बाद आपका बैटरी बिल्कुल 4 से 5 दिन तक चलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, बैटरी इतना ज्यादा बढ़ा जाएगा जितना आपका न्यू फोन में चलता था। तो इसलिए थोड़ा वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अभी तक हमारे इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो एक लाइक करके बिल्कुल सपोर्ट कीजिए और चैनल पर जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ ही बेल आइकन पर दबा के ऑल पर सेट कर लीजिए, इससे ये होगा कि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलेगा सबसे पहले। वीडियो को शेयर करेंगे तो और भी लोगों का हेल्प हो पाएगा, और साथ साथ ही कमेंट के अंदर एक प्यारा सा कमेंट कर दो यार, बैटरी बैकअप बढ़ाए। तो इतना सा छोटा सा काम कर लेने के बाद ट्रिक क्या है उसे थोड़ा ध्यान से समझते हैं। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था, आपको 3-3 ट्रिक बताऊंगा जो कि बैटरी बैकअप को लेकर है। ये 3 ट्रिक अपने फोन में जैसे ही कर लीजिएगा तो यकीन मानिए कि आपका बैटरी 4 से 5 दिन तक चलने वाला है, बैटरी बैकअप बिल्कुल न्यू फोन की तरह देने वाला है। लेकिन कब देगा, जब आप अपने फोन में ये सेटिंग कीजिएगा। दोस्तों, क्यों हमारा फोन, मतलब शुरू में जब हम कीते तो वो क्यों बैटरी बैकअप देता है, क्योंकि जब आप शुरू में फोन खेलते हो तो उसमें कुछ छेड़खानी किया हुआ नहीं रहता है, न्यू फोन रहता है, सेटिंग सब कुछ करके देता है कंपनी, तो उस वक्त कुछ दिक्कत। लेकिन वही जब 1-2 साल चला लेते हैं तो क्या होता है कि सब इधर सेटिंग ना कुछ कुछ बंद हो जाता है, कोई इधर का उधर हो जाता है, इसीलिए हमारा मतलब बैटरी जल्दी जल्दी खत्म होता है। लेकिन आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप ये 3 ट्रिक करते हो तो फिर आपका फोन न्यू की तरह चलने लगेगा। तो इसके लिए सबसे पहला ट्रिक के लिए आपको करना क्या, आपको अपने फोन के सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आ जाइएगा तो किसी भी एंड्रॉइड फोन में आपको यहां पर इस तरीके से मिल जाएगा इंटरफेस देखने को सेटिंग में। तो आपको करना क्या, थोड़ा नीचे की साइड आना है, बस एक सेटिंग को आपको यहां पर ढूंढना है जो कि किसी किसी फोन में बैटरी के नाम से होगा, और मेरे फोन में देखिए बैटरी एंड डिवाइस केयर के नाम से, इस पर क्लिक करना है। क्लिक जैसे ही करते हो तो यहां पर करना क्या है वो थोड़ा ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो आपको यहां पर मिलेगा बैटरी के नाम से, इस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहां पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले तो आपको यहां पर क्या करना है, थोड़ा ध्यान से देखिए, बैटरी पर आप क्लिक कीजिए तो यहां नीचे की साइड जैसे आइएगा तो ये सबसे पहले तो बैटरी मतलब पावर सेविंग मोड तो ये आपका बंद होगा, सबसे पहले इसे आप ऑन कर दीजिए अगर बैटरी बैकअप को बढ़ाना चाहते हैं तो। और दूसरा आपको क्या करना है, बैकग्राउंड यूसेज लिमिट, इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरीके से ये खुल के आएगा, तो यहां पर आपको सबसे पहले तो ये आपका बंद होगा, तो इसे बिना सोचे समझे चालू कर दीजिए, क्योंकि ये आपके फोन के लिए बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है, बिल्कुल लाभदायक है। तो यहां कर दीजिएगा तभी ये सेटिंग काम करेगा। तो यहां पर देखिए डीप स्लीपिंग मोड होगा, इस पर आप क्लिक कीजिए। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहां पर प्लस का ऑप्शन दिखेगा, प्लस पर क्लिक कीजिए। प्लस पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो सारा एप्लीकेशन आपके फोन पर आ जाएगा, तो आपको यहां पर उस एप्लीकेशन को सिलेक्ट करना है जिसका आप यूज बिल्कुल भी नहीं करते हो, फोन में उसका कुछ काम ही नहीं है। तो यहां पर क्या करना है, उस एप्लीकेशन को, जैसे मेरे फोन में देख लीजिए ये वाला है ना, ये मैं इसका कुछ भी काम नहीं करता हूं, जैसे ये मान लीजिए वहां के आपके फोन में ऐड कर देना। ऐड जैसे कर दीजिएगा ना तो ये डीप स्लीपिंग मोड में चला जाएगा, यानी कि ये एप्लीकेशन सो जाएगा आपके फोन में, बिल्कुल सुला देगा ये सेटिंग। तो जैसे ही सो जाएगा तो ये क्या करेगा आप एप्लीकेशन की, मतलब ये डीप स्लीपिंग मोड में चला गया ना तो आपका ये एप्लीकेशन बिल्कुल भी आपका बैटरी बैकअप नहीं लेने वाला है। कई बार क्या होता है कि फोन जब हम रखे खत्म हो जाता है ना, वो इसी वजह से होता है। तो आपको यहां पर उस सारे एप्लीकेशन को ढूंढ के यहां पर डीप स्लीपिंग मोड में दे देना है,
जिसका यूज आप सब अपने फोन में नहीं करते हो। तो यहाँ पर ये पहला ट्रिक जैसे कर दीजिएगा तो आपका जो फोन फालतू का जल्दी जल्दी खत्म होता है ना बैटरी, वो यहाँ से सोल्व हो जाएगा। तो चलिए ये था पहला ट्रिक, कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट ट्रिक की ओर, तीसरे ट्रिक मतलब दूसरे ट्रिक की ओर, जो कि आपको अपने फोन के अंदर करना है। तो इसके लिए क्या करना है, सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में जैसे आइएगा तो थोड़ा नीचे की साइड आइए, नीचे की साइड आइएगा तो यहां पर आपको मिलेगा अबाउट फोन के नाम से ऑप्शन, इस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन, इस पर क्लिक करना है। यहां पर आपको मिल जाएगा बिल्ड नंबर, बिल्ड नंबर पर आपको 7 बार दबाना है। तो एक ऑप्शन खुल के आएगा जो कि डेवलपर के नाम से होगा, तो ये आपको मिल जाएगा। आप सेटिंग पर जैसे आइएगा तो देखिए यहां पर मैं आ जाता हूं, यहां पर आ गया, तो देखिए डेवलपर ऑप्शन आ गया खुल के, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो अब आपको करना क्या, थोड़ा ध्यान से देखिए, थोड़ा नीचे की साइड, बिल्कुल नीचे की साइड आ जाइए, फिर थोड़ा ऊपर की साइड आइए। जैसे आइएगा तो आपको यहां पर मिलेगा देखने को बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट, यहां पर देखिए है ना, इस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको यहां पर क्या करना है, एट मोस्ट वन प्रोसेस पर कर देना है इसको। जैसे ही क्लिक करोगे ना, इस पर आप कर दोगे ना, तो आपका बैटरी का परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा, आपका बैटरी बैकअप इंक्रीज हो जाएगा। यहां से भी आपका बैटरी बैकअप बहुत ज्यादा टिकने वाला है, लेकिन ये दो ट्रिक कुछ भी नहीं रहेगा। अब जब तक तीसरे ट्रिक को नहीं कीजिएगा अपने फोन में, तो तीसरे ट्रिक के लिए आपको करना क्या है, एक छोटी सी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। इस एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन को आप जैसे ओपन कीजिएगा तो ये कुछ इस तरीके से ओपन होगा। थोड़ा रुकिए दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करना, अभी वीडियो को छोड़कर बिल्कुल मत जाना, जरा इस एप्लीकेशन का काम देखिए। सबसे पहले तो आपको यहां पर ये कुछ इस तरीके से आएगा, तो यहां पर आपको इसे टिक करना है, स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। स्टार्ट पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो ये कुछ इस तरीके से ओपन होगा, तो कुछ ऐड आएगा तो क्लोज कर देना है ऐड को। जैसे ही कर दोगे तो ये शुरुआती तौर पर ये स्कैनिंग योर फोन करेगा, मतलब आपके फोन का सब कुछ रैम चेक करेगा, जो भी है रैम का जो भी काम होगा वहां पर कर लीजिएगा। तो डायरेक्टली आप यहां पर आ जाइएगा, हो सकता है एक ऐड आ जाए तो आपको ऐड को स्किप कर देना, डायरेक्टली आप यहां पर आ जाइएगा। यहां पर जैसे आइएगा तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहां पर स्कैन का ऑप्शन मिलेगा, स्कैन पर क्लिक कीजिए। स्कैन पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो ये क्या करेगा, वो सारे सिस्टम को लाएगा, जो कि मतलब ये ना आपका जो फोन हीटिंग होता है ना, हैंगिंग करता है ना, वो इसी वजह से होता है। तो ये उस सबको, जो भी हैंगिंग का प्रॉब्लम बनता है ना, उसी को ये यहां से ठीक कर देगा। तो यहां पर ऐड आएगा, इसे स्किप कर देना, यहां पर ये सारी चीज जैसे ही हो जाएंगे तो यहां पर आपको ये भी जो भी कर रहा है करने के लिए आपको यहां से बैक आ जाना है। फिर यहां पर मिलेगा फोन बूस्ट का ऑप्शन, इस पर क्लिक कीजिए, फोन को एक बार बूस्ट कर दीजिए। फोन को बूस्ट कीजिएगा तो ये क्या होगा, आपका बैटरी जो जल्दी खत्म होता है, हैंगिंग का भी प्रॉब्लम होता है, वो भी यहां से ठीक हो जाएगा। यानी कि सोचिए इस एप्लीकेशन के अंदर कितना फीचर दिया हुआ है, स्टोरेज खाली करने का प्रॉब्लम सब कुछ का दिया, देखिए सब कुछ ठीक करके बिल्कुल सही का टिक लग जाएगा। फिर आपको क्लोज करना है ऐड को, फिर आपको बैक आना है, बैटरी सेवर को यहां पर से कर देना है। जैसे कर दीजिएगा ऐड पर, जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपका ये बैटरी का जो भी प्रॉब्लम चलता था ना, जो फालतू का लेता था, तो यहां पर देखिए अल्ट्रा लेजिंग बैटरी यूजेस कर देगा, जो भी आपके बैटरी को फालतू का ज्यादा यूज करता था वो यहां पर देखिए सब कुछ को शो करके बंद कर देगा, जो भी चलता था फालतू के बैटरी लेता था वो सब कुछ करके यहां पर ठीक कर देगा। ठीक जैसे ये करेगा तो आपका बैटरी बिल्कुल टिकने वाला है 5-5 दिन तक बिना किसी परेशानी के। और भी साथ साथ यहां पर अगर आपका फोन हीटिंग होता है तो यहां पर कूल डाउन पर क्लिक कीजिए, तो आपका अगर फोन ज्यादा हीटिंग है तो ये कूल डाउन कर देगा सब कुछ। जैसे देखिए कुछ हीट है तो ये बता रहे किस किस वजह से हीट है ये, तो सब कुछ को यहां से बंद कर देगा। तो इस तरह से जैसे कर दीजिएगा तो अब आपका बैटरी बहुत दिन तक चलने वाला है बिना किसी परेशानी के। तो इस वीडियो के अंदर यही था दोस्तों, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना, और साथ साथ ही बेल आइकन दबा कर सेट करना, वीडियो को शेयर करना, कमेंट में लिख देना यार बैटरी बैकअप बढ़ा है। तो चलिए मिलते हैं ऐसे और किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।